तृणमूल सरकार ने उनको सेफगार्ड देने का काम किया। यह अत्याचार अनाचार माताओं बहनों पर भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी बिल्कुल बर्दाश्त करने वाले नहीं है। माननीय मोदी जी ने इसलिए माताओं बहनों को नंबर एक पर लाने के लिए संसद में आरक्षण पर दिया है और कांग्रेस पार्टी लगातार उसे पेंडिंग डाल करके अपने जेब में रखी हुई थी। महिलाओं का वोट तो लेते थे कांग्रेस पार्टी गठबंधन के लोग, लेकिन महिलाओं को कभी मुख्य धारा में उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई काम नहीं किया। आज हम कह सकते हैं कि पूरे देश की महिलाओं का सम्मान बढ़ा है और महिलाओं के अंदर एक सम्मान से जीने की झलक भी बढ़ी है। आज हिन्दुस्तान की महिलाएं, प्रदेश की महिलाएं अगुवाई कर रही है कि हम देश की जनता के साथ, प्रदेश की जनता के साथ चलेंगे और माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के लिए अगुवाई करने का काम करेंगे। माताएं बहने अपने घरों से निकल चुकी हैं। इनके नेता देश को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उस पर यदि एक्शन के बजाय लोकसभा का टिकट दे देते हैं। ये देश की शक्ति का अपमान करते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं। ये साझा सेन जैसे अपराधी पर चुप रहते हैं। ये उदयनीत स्टालिन के सनातन विरोधी बयान पर चुप रहते हैं। ये रामचरित मानस के अपमान पर चुप रहते हैं। ये अपने घोटाले पर चुप रहते हैं, लेकिन सजा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं, लेकिन बाद में माफी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है, ये चुप रहते हैं। इनके चेहरे देखिए, हर चेहरे पर घोटाले भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येन जैन को जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। मनीष सिसोदिया को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। संजय सिंह को जमानत नहीं मिल पा रही कोर्ट से, केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट में से नहीं मिल पा रही है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा रही है। साजा सेठ पर कोर्ट ने एक्शन लिया है। लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है, तो क्या इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ रैली कर रहा है? आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इनको सबको चिल्लाना है। कोर्ट में दलीलें काम नहीं आती तो बाहर आकर हल्ला मचाने का काम करते हैं। आइए इंडी गठबंधन को, हम जो यूपी पार्टनर के बारे में भी हम आपको बताना चाहते हैं, खासकर कांग्रेस के बारे में। आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से लेकर आज तक जिस पर घोटाले घोटाले के आरोप है, इसका शीर्ष नेतृत्व 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में जेल से बेल पर है। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक, देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से एमओयू साइन करने तक इन पर आरोप लगे हुए हैं। और मजा यह है कि गर्व से इसे बताने पे थकते नहीं है। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते हैं, आज उनके साथ गलबैया करने का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरह भ्रष्टाचार किया है। पूरा प्रदेश अच्छी तरह जानता है, चाहे रिवर फ्रंट का घोटाला हो, चाहे खनन घोटाला हो, सैकड़ों ऐसे घोटाले हैं जो समाजवादी पार्टी ने आतंक गले तक के डूब करके करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को अपराधियों के चंगुल में देने का काम किया था। उत्तर प्रदेश में माफिया राज कायम हो गया था। हमारी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट देने का काम किया है, जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया दिया था। आज पूरे देश में इस बात की चर्चा है कि उत्तर प्रदेश ने संगठित माफिया गिरोह को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है। छुटपुट अपराधों के कारण हमने उनमें कड़ी कार्रवाई की है। हमने किसी भी व्यक्ति में जिसने अपराध घटित किया, छोटा बड़ा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, अपना पराया नहीं देखा। यदि अपराध हुआ है तो हमने कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की है। आज माताओं बहनों के प्रति जो अपराध होते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश राज्य नंबर एक पर है। सजा दिलाने वाले कोर्ट के माध्यम से पैरवी करके बच्चों के प्रति अपराध में उत्तर प्रदेश राज्य सजा दिलाने वाले राज्यों में नंबर एक पर है। हम सब जानते हैं कि यही समाजवादी पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनके परिवारवाद से उत्तर प्रदेश की जनता उभी हुई है। जो पार्टी कभी कांग्रेस को देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी कहा करती थी, आज उन्हीं की साथी बनी हुई है।
सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही कोई ऐसा बयान दिया है। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता में सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत, आपने टैक्स चोरी की है कि नहीं की है, कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं की।